दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक स्विच और एक थ्री पिन सॉकेट है, ये है मल्टी सॉकेट और ये स्विच है, इसको फिट करने का तरीका और इसके कनेक्शन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम स्विच लगाएंगे। ये इसके अंदर जो थी ये इस तरह लाइन थी वो हमने निकाल दी है और ये थ्री पिन सॉकेट की जो है ना जगह बन गई है ऐसे। ये देखें, ये आ गई हमारा, ये स्विच ऑन ऑफ का आ गया। ये स्विच जो है ये सॉकेट के साथ ऑन ऑफ होगा, ठीक हो गया। स्विच ऑन होगा तो सॉकेट में करंट आएगा। तो अभी हम इसके लगा देंगे नट, इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरह। दोस्तों ये हमारे नट हो गए हैं सारे टाइट। अब हम करेंगे इसके कनेक्शन। कनेक्शन हमने इस तरह करने हैं कि एक जो तार है हमारी वो हमारी लग जाएगी स्विच से सॉकेट तक, जो कि स्विच ऑन होगा तो करंट जो है वो सॉकेट के अंदर आ जाएगा। ये तार का पीस हम लेंगे, इतना हमने पीस काट लेना है पूरा पूरा, और ये हम स्विच और सॉकेट को आपस में कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके। इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरह। अब हमारे पास बच गया जी एक स्विच का खाली पॉइंट और एक सॉकेट का। ये अर्थ का पॉइंट है, ये हमने नहीं लगाना, हमने यूज़ नहीं करना। अगर अर्थ होगा, अर्थ की तार होगी तो हम लगा देंगे, वरना इसको खाली छोड़ देंगे। तो जो हमारा फेस होगा वो हम लगा देंगे स्विच के अंदर। अभी हमारे पास एक ही कलर की तार है क्योंकि ये हमने लीड बना के लटका देनी है। तो जो फेस लगना है वो स्विच के अंदर लगेगा, फेस होता है वैसे रेड कलर का। तो जो न्यूट्रल है वो हमने लगा देनी है सॉकेट के अंदर ऐसे। तो इस तरह आपने कनेक्शन करने हैं। ये देखें, ये हमारी होगी मेन, ये फेस आ गया और ये न्यूट्रल आ गई और ये हमारी आ गई स्विच से सॉकेट तक ऑन ऑफ के लिए, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं।